मोटे तो माली की पग वेख के पुजी है। हाँ नाल मैं तो पहले ही पता सी, मैं हर वेले तेरे नाल दियां फाले कढ़दी रहनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी व्यूअर्स, अज असी तुहाडे नाल एक स्टोरी शेयर करांगे कि अदाकार अकमल जिस वेले फौत हो जांदे ने उस वेले अदाकार फरदौस ने किहड़ा ऐसा काम कीता, वो तुहाडे नाल स्टोरी असी अज तुहाडे नाल शेयर करांगे। उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो मेहरबानी करना चैनल नूं सबसक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ताडे आ पंजाबी जी कहिंदे ना गूठा दबाना कोई फर्क नहीं पैदा हैगा, लेकिन मैनू जरूर फर्क पएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह तुहानू खुश रखे। फिल्म इंडस्ट्री दे विच बहुत बड़िया जोड़ियां बनिया, जिवें सुल्तान राई ते मुस्तफा कुरैशी दी बहुत बड़ी जोड़ी सी। ते मुस्तफा कुरैशी बाद च कले रह गए, सुल्तान राई चले गए, जिस वेले इन्हां दी जोड़ी टुट गई। इस तरह मुनव्वर जरीफ तरंगीले की बहुत बड़ी जोड़ी सी, ते इस तरह अकमल दी ते मजर शाह साहब की जोड़ी बड़ी यानी मजबूत सी। ते इस तरह फिर बड़िया जोड़ियां बनाईया फिल्म इंडस्ट्री दे विच, फिर बहरान आते रहे, लेकिन फिर पैरां ते खड़ी हुंदी रही फिल्म इंडस्ट्री। इस तरह जिस वेले फरदौस ते अकमल की जोड़ी सी यह टुटी, इस जोड़ी ने बड़े बड़े फिल्मां फिल्म इंडस्ट्री ने दित्तियां, जिन्हां दे विच पंज दरिया, लुटदा माल, बहादुर किसान, रन मुरीद, सूरमा, ढोल सिपाही, ते इस तरह बड़ियां फिल्मां इन्हां ने दित्तियां, ते जिन्हां दा सारिआं दा नां लैणा बड़ा मुश्किल आ। ते बहुत कामयाब जोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री दे विच। ते इह वाकिआ इस तरह कि जिस वेले अदाकार अकमल फौत हुंदे ने, ते जो ही खबर रहे फिल्म इंडस्ट्री पहुंचती है, नाल अदाकार फरदौस बेगम नूं पहुंचती है, ते फरदौस बेगम बिल्कुल बेहोश हो जाती है, पागलों तरह करन लग पैंदी है, वाल खिलरे हुंदे ने, रोंदी पिटदी है, कोई सवा महीना नहाती धोती नहीं, वालां च कंघी नहीं कीती, यानी इन्नी उन्हें दिल नूं लाई। इनू कहिंदे ने इश्क प्यार, अगे जाके इन्हें फिर शादी भी उहदे नाल कीती, ते यानी बहुत ज्यादा इनू दुख होया, अफसोस होया। ये बिल्कुल घरों फिर फिल्म इंडस्ट्री वाली साइड नूं जांदी नहीं सी, घरों नहीं सी निकलदी, हालांकि फिल्मां दीआं शूटकां वगैरह रहिंदियां सी, सारा कुछ रहिंदा सी, ये नहीं सी जांदी। इन्हें बहुत ज्यादा दुख महसूस किया, अफसोस होया इनू। फिर जिस वेले फिल्म की शूटिंग ते भी नहीं सी जांदी, घरों नहीं सी निकलदी, ते लोगां ने फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों ने सारयां ने इकट्ठे हो के जिन्हां ने फिल्मां दे विच पैसा इनवैसटमेंट कीता सी, ते लोगां नूं परेशानी हो गई कि साडा पैसा डुब जाएगा, फिल्मां दी शूटिंग रुक गई आ, लोगों के घरां दे चुल्हे जिहड़े आ चलदे ने फिल्म इंडस्ट्री तों उह बंद हो गए। वह फिल्म इंडस्ट्री के जिन्हें भी लोग सी उन्हां ने सारयां ने इकट्ठे हो के, उस वेले लाला सदीर साहब सी चेयरमैन, सारयां ने इकट्ठे हो के कहा कि उहदे कोल चलीए, अदाकारा फरदौस बेगम नूं कुछ समझाओ जाके, ताकि कोई फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी आ अपने पैरां ते आवे, फिर चले दा पईआ, जिहड़े गरीब लोग ने अपने रुजगार कमा के खा सकन। इस इहदे विच वहीद डार साहब, एम जे राणा साहब, ते मजहर शाह साहब, ये सारे इकट्ठे हो के फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग अदाकारा फिरदौस दे घर जांदे ने, जा के उहदे नाल ताज़ियत करदे ने, ते फिर उहनूं कुछ समझांदे ने भी तूं इस तरह ना कर, जाण वाला बंदा इक दिन चले ही जांदा, जिहदी आ गई अपनी वारी नाल सब ने चले जाना, लेकिन की करे बंदा, दुनियादारी दा काम करने वास्ते हुण मरने वाले दे नाल तां ना मरिया जा सकदा। ते ये दुनिया का निजाम इसी तरह ता क्यामत चलता रहना, मरने वाले ने मर जाना, लेकिन अफसोस जरूर होंदा, लेकिन अफसोस सिर्फ तीन दिन करना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। लेकिन देखो जी, घर का मरदा उन्हें सारी उम्र नहीं भुलदा, ये तो खैर नहीं, तो बहरहाल जो अल्लाह ने मंजूर, तो उन्होंने समझाया, लेकिन वह फिर कुछ समझ गई, उन्होंने कहा ठीक आ, जिहड़ियां फिल्मां दी शूटिंग वगैरह रहिंदी है करवाओ जो भी फिल्म। फिर उन्हें दोबारा फिल्मां दे विच जिहड़े मुकम्मल होण नूं रहिंदियां सी उह मुकम्मल कराईआं। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी जिहड़ी आ बिल्कुल रवां दवां जारी कर ली, जिस तरह काम पहलां सी। ते लेकिन अफसोस जरूर होया,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦੋ ਆਂਸੂ ਸੁੱਟ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਤਲ ਫਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਫਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਤਲ ਫਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤਹੁ।